ब्रह्मा बाबा लौकिक में भी ब्राह्मण थे और अलौकिक में भी ब्राह्मण बन गए। ऐसे ही वैष्णवी देवी लौकिक में भी ब्राह्मण तो अलौकिक में भी ब्राह्मण ही बन गई, डबल ब्राह्मण हो गई। ऐसे ही जगदम्बा लौकिक में भी ब्राह्मण तो अलौकिक में भी ब्राह्मण ही बन गई। प्रजापिता भी लौकिक में भी ब्राह्मण तो अलौकिक में भी ख्याल आता है कि जो लौकिक में ब्राह्मण है उनको तो ब्राह्मण तो स्वीकार करने में कोई हिचक नहीं है, संकोच नहीं है तो, लेकिन दूसरी जाति का जो है उसको अपने आप को लौकिक दुनिया में चलते हुए अपनी जाति को भूलना, अपने वर्ण को भूलना जो है वो इतना आसान नहीं है। अगर हम स्वीकार कर लें, हम जितना परिवार यहाँ बैठा हुआ है, कोई मेहतर घराने का अगर ज्ञान में आ जाए और हम उसे ब्राह्मण मान लें तो, लेकिन उसका यहाँ का तो थोड़ा समय वो रहेगा ना है? इस संगठन में तो आएगा अल्पकाल के लिए। हाँ, अल्पकाल के लिए आएगा। यहाँ संगठन में उसकी जो हाजिरी है वो तो थोड़े समय के लिए है। क्यों? बाकी समय तो वो रहेगा अपने लौकिक संबंधियों के साथ। तो क्या हुआ, तो जब ज्ञान ले लेता आदमी और ज्ञान लेने के बाद उसकी बुद्धि में अगर ज्ञान घुमड़ता रहता है तो लंबे समय तक लौकिक परिवार का कहा जाएगा या अलौकिक परिवार का कहा जाएगा? अलौकिक परिवार का हो गया, देखने में आता है। ब्राह्मणत्व को उनके सामने प्रूव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए तो मेहतर घराने के यहाँ कितने बैठे हुए हैं, कोई है? कोई नहीं। क्या पीपर भंगी 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 बाबा शिव की सोल है? शिव जी जो सोल है कृष्ण, हाँ शिव की सोल मुझ में प्रवेश कर सकती है? कृष्ण की सोल शिव शिव है, शिव शिव शिव, हाँ उसकी सोल में प्रवेश कर सकती है? उसकी जो सोल है, कोई भी बच्चों में बाप दादा प्रवेश करते हैं लेकिन शिव बाप प्रवेश नहीं करते। राम की आत्मा, राम वाली आत्मा प्रवेश कर सकती है, कृष्ण वाली आत्मा प्रवेश कर सकती है, उनको कहा जाता है बाप दादा। बाबा ये कैसे पता चलता है कि ये बाप की आत्मा प्रवेश करके कार्य कर रही है, करवा रही है, या दादा की आत्मा प्रवेश करके कार्य करवा रही है? पता क्यों चलेगा, जब बीज रूप आत्मा बीज रूप स्टेज में प्रवेश करेंगे तो पता कैसे चलेगा? गुलजार दादी के तन में प्रवेश करते हैं सूक्ष्म शरीर से तब पता चलेगा। उसमें बाप दादा तो प्रवेश करते हैं ना? नहीं, लेकिन वहाँ बाप दादा मुरली दादा कहा जाता है, वो याद में रहते हैं शिव की, इसलिए बाप दादा कहा जाता है। तो राम की आत्मा जो है तब किस में प्रवेश करती है, चंद्रवंशी में प्रवेश नहीं करती? राम की आत्मा जो है वो अकेली नहीं प्रवेश कर सकती किसी में, शिव बाप राम बाप के सहित कोई में प्रवेश कर सकता है। हाँ, बहुत काम है तुमको, जाओ 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 जाओ। हाँ, मैं देश की सेवा करने आता हूँ। देश की सेवा, देश की सेवा, सेवा करने आता है, देश की सेवा करने आता। चाहते हैं? करना चाहता हूँ। हाँ फिर अब देश में रहेंगे क्या, विदेश में जा रहे? फिर कहाँ की सेवा करेंगे? देश की सेवा, देश के लिए कोई कार्य है, देश के लिए कोई अच्छा कार्य, अच्छा काम, जो भी काम करोगे तो देश की सेवा रहेगी ना। देश में रहते तो देश की सेवा करेंगे, विदेश में जाओगे तो विदेश की सेवा करोगे। है अलग सेवा करोगे देश की, अलग क्या, अलग कुछ तो कैसी अलग? जैसे कि अपने तरीके से, मतलब जिससे इस देश का भला हो सके, अपने तरीके से जिससे इस देश का भला हो सके। अपनी मनमत पर जितना काम करोगे? नहीं, थोड़ी मेरी बाबा से ही थोड़ी मदद देंगे। बाबा तो बताते हैं कि ज्ञान सुनाओ दूसरों को, बाप का परिचय दो, देश की सेवा भी होगी और भगवान की सेवा भी होगी, यज्ञ की सेवा भी होगी। जो जो रामायण में गाते हैं कि रावण को मारा था तो
क्या नाम तो राम ने रावण का अंत किया था ना, तो उसने उसका संयोग लिया था जो विभीषण क्या था राम ने रावण का अंत किया था ना तुन्नी में तिल लगा के, तुन्नी में तिल लगाया था ना नाभी में, तो राम को नहीं मालूम था कि तुन्नी में तिल लगाने से इसकी मौत हो जाएगी। राम को कहाँ मालूम था, विभीषण ने बताया। राम भगवान था या राम देवता था, तो देवात्मा को पता होता है या भगवान को पता होता है सब कुछ, तो राम भगवान तो था नहीं, जैसे सब मनुष्य हैं वैसे वो भी मनुष्य। अर्ब भगवान होता तो वो है, अर्ब भगवान होता ना हाँ, वो हनुमान से मदद नहीं लेता, तो उसको पता चलता है मनुष्यों से मदद लेने की क्या जरूरत। पर जो बड़के लोग हैं ना वो यही मानते कि राम को सब पता होता है, राम ऐसे करता है। तो दुनिया के लोग तो राम को ही कृष्ण को ही भगवान मानते हैं ना, अब हमारी बुद्धि में तो बैठ गया कि राम और कृष्ण कोई भगवान थोड़े ही है, वो तो जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माएं हैं, मनुष्य आत्माएं हैं, मनुष्य आत्मा से पुरुषार्थ करके देवता बन जाते हैं। मैंने कुछ लोगों को बताया है इस बारे में कि राम और कृष्ण देवता हैं। देवता हैं या देवता सत्य उत्तरेता में थे है? अभी देवता हैं या सत्युग त्रेता में थे? सत्युग त्रेता में थे, अभी पुरुषार्थ ही हैं, पुरुषार्थ करके नर से नारायण जैसे देवता बन जाएंगे। बाबा असुर हमेशा शिव के भक्तों के ऊपर अत्याचार क्यों करते हैं? असुर असुर शिव के भक्तों के ऊपर अत्याचार क्यों करते हैं? उनका नाम ही है असुर, सुर माने एक दूसरे से सुर मिला के नहीं चलना है, एक ने कही और दूसरे ने मानी, ऐसे वो नहीं करेंगे। उनका काम ही है एक अगर एक बात कहेगा तो दूसरा दूसरी बात कहेगा, काट जरूर कर देगा, एक दूसरे की बात मानना नहीं है उनको, इसलिए वो तो है ही स्वभाव संस्कार से असुर। असुरों का काम ही है दूसरों को दुख देना, भड़काना, भड़काते हैं ना, एक दूसरे की चुगलियां करते हैं ना। बाबा अभी वर्तमान में सूक्ष्म सोच का बड़ा पाठ चल रहा है बड़े जोर से, अभी जोर से नहीं चल रहा है, लेकिन जब पुरजोर से मौत का बाजार लगेगा दुनिया में, जोर से भूकंप आएंगे और भूकंप में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिरेंगी, तो ज्यादा मरेंगे या अभी ज्यादा मर रहे हैं? उस समय ढेर के ढेर अचानक मौतें होंगी, तो ढेर के ढेर इविल सोल बनेंगी, उस समय तो क्या हाल हो जाएगा मनुष्यों का, एक एक में ढेर की ढेर आत्माएं प्रवेश करेंगी। तो क्या वो पावात्मा में प्रवेश करेंगी? पवित्र आत्मा में प्रवेश कैसे करेंगी? जैसे जो जन्म जन्मांतर की श्रेष्ठ आत्मा है उसमें एक शिव ही आ सकता है कि दूसरी आत्माएं आ सकती हैं? ऐसे ही अपना अपना घोड़ा बना हुआ है, बताते नहीं है ग्रेवी के हिसाब किताब होगा, वो भी तंग करते हैं, इसके साथ हिसाब किताब है हाँ, वो ही आवेगी, 63 जन्मों का हिसाब किताब नहीं है, है? प्रवेश करके खत्म करेंगी। जब मिनिस्टर मरेंगे तब होता है, मिनिस्टर मरेंगे तब विनाश होगा, फिर देर बोलेंगे। अभी मिनिस्टर नहीं मर रहे हैं, अभी मौत हुई है। इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, तो फिर उनकी अकाले मौत हो सकती है तो कोई की भी हो सकती है। हाँ ये भी पार्ट होता है, सूक्ष्म शरीर धारण करना ये भी उनका पार्ट होता है। बिल्कुल एक इंदिरा गांधी मोई थे, आज मैंने 11 मर गए थे, बाकी उसके साथ ऐसे जब मरेंगे ना तब मरता हूँ। संगम युग में सूक्ष्म शरीर धारण करना माना पाप आत्मा ज्यादा बनना,
जन्म जन्मांतर के ज्यादा पापात्मा है। अभी हमारे जम्मू में एक स्थान है बाबा तालाब बना हुआ है, वहाँ पर कम से कम 200 समाधियाँ को सभी सूक्ष्म आत्माओं की बनाई है। हाँ जी हाँ जी बाबा, जे कहते हैं कि ऐसे करने से उम्र बढ़ती है, ऐसे करने से उम्र घटती है, जी उम्र घटने और बढ़ने का क्या चक्र है? अच्छे काम करेंगे तो उम्र बढ़ेगी, जैसे बाबा कहते हैं योग लगाएंगे अच्छे योगी बनेंगे तो जन्म जन्मांतर की उम्र बढ़ेगी, इस जन्म में भी बढ़ जाएगी, और योगी नहीं बनेंगे भोगी बनेंगे तो भोग करने से क्या होगा, उम्र खत्म हो जाएगी। जन्म से नहीं तय होती, भोगी बनने से उम्र कम होती है और योगी बनने से उम्र बढ़ती है। उम्र तो ब्रह्मा बाबा की भी उनकी जन्म पत्रिका के मुताबिक थोड़ी बताई गई थी, लेकिन उनकी उम्र ज्यादा है। 10 साल बढ़ गई, 125 साल तो नहीं हुई, होनी कितनी चाहिए, 125 साल होनी चाहिए। बाबा कीचक को केवल 6 लोग मार सकते थे, भीष्म पितामह, बलराम, कर्ण, दुर्योधन, कृपाचार्य और भीम, इनका बेहद का अर्थ क्या है? अब भीष्म कौन है ब्राह्मणों की दुनिया में है? भीष्म पितामह कौन से धर्म के थे? सन्यास धर्म के थे। जो भी धर्म है दुनिया में विधर्मी, वो प्रवृत्ति मार्ग के हैं विधर्मी विदेशी या निवृत्ति मार्ग के हैं? सब निवृत्ति मार्ग के हैं। उन सब निवृत्ति मार्ग के बीच में सबसे पावरफुल आत्मा कौन सी है? दुनिया भी हिसाब से बताओ, जैसे दुनिया में प्रैक्टिकल में हिस्ट्री में देखने में आता है, इस्लामी इस्लामियों में भी इब्राहिम, इब्राहिम जो ऊपर से आता है वो, या इब्राहिम जिसमें प्रवेश करता है वो, या जिसमें प्रवेश करता है उसको जन्म देने वाला है वो, जो जन्म देने वाला है वो उन सब इस्लामियों का बाप है, वो भीष्म पितामह हुआ, पावरफुल आत्मा है। वो तो ब्रह्मचारी बोलते हैं ना, ब्रह्मचारी का है भीष्म पितामह ने शादी थोड़ी की थी। हाँ नहीं, शादी की तो पावरफुल होगा या कमजोर होगा? नहीं पावरफुल था। हाँ पावरफुल था तो नहीं, आप बोल रहे हैं थोड़े उसी के बीच से बोला ना आपने। हाँ तो फिर उसने संतान कैसे पैदा की? उसने संतान कैसे पैदा की, कहाँ कहाँ संतान पैदा की? उसके बाप के बारे में बताया ना, जीजू बाप है, उसके बाप के बारे में बताया माता जी का। भीष्म पितामह का पिता वो तो शांतनु था। शांतनु, जिसको शांति नहीं है उसे कहते हैं शांतनु। अच्छा, महाभारत की जब शुरुआत होती है तो पहला व्यक्ति किसको उठाया? शांतनु। कौन है शांतनु? अरे किसको शांति नहीं है, एक के बाद दूसरी शादियां करता जाता है, हाँ? अभी तो बताया किसी माता ने, प्रजापिता। प्रजापिता कहाँ शादी करता है? कहते हैं प्रजापिता ने कहाँ शादी? प्रजापिता शादियां नहीं करता जाता। कृष्ण वाली आत्मा और प्रजापिता वाली आत्मा अलग अलग है या एक ही शरीर में है? तो फिर 16108 रानियां नहीं कही जाती हैं? वो कहां की यादगार है?
भीषम पितामह, फिर आगे है बलराम, एक है राम और दूसरा है बलराम। बलराम किसका पार्ट है? लक्ष्मण का। लक्ष्मण किसका पार्ट है? शास्त्रों में क्या दिखाया गया है? शेषनाग। किसके फन, कितने फन दिखाए जाते हैं? सात फन, माने सात आत्माएं वो अलग और एक वो अलग, कितनी हो गई? आठ आत्माएं हो गई। जो बलराम है, जिसको सात फण दिखाए जाते हैं, सात रक्षक के रूप में है, ब्राह्मणों की दुनिया में बलराम कौन है? है बलराम? अगर ब्रह्मा बाबा है फिर कृष्ण कौन है? प्रजापिता वाली आत्मा बलराम है। माने सात फण कौन से हैं फिर? सात नारायण। सात नारायण कहाँ हैं? संगम युग के नारायण के बाद कितने नारायण होते हैं? हैं? आठ नारायण होते हैं, सात कहाँ होते हैं? उनका हथियार कौन सा दिखाया जाता है? यह हल क्या चीज है? हल भी कोई हथियार होता है? हल कोई हथियार है क्या? हल से किया क्या जाता है? हैं? हैं? हाँ, धरणी चीरने का काम किया जाता है हल से। और धरणी किसे कहा जाता है? हैं? कन्या माताओं। शिव के मंदिर में जो बैल दिखाया गया है वो किसकी यादगार? बैल क्या करता है? हल चलाता है। वो भी हल चलाता है, ज्यादा संतान पैदा करता है, ज्यादा खेती करता है। तो बलराम हुआ। उसके बाद जितने भी हैं नारायण के रूप में आने वाले उसके कुर्मा गोता में, वो कितने हैं? अरे सत्युग में जो कृष्ण होगा उसके बाद कितने हैं कुर्मा गोता में? सात नारायण, वही सात फन वाला सांप हो गया वो बलराम है। बलराम के रूप में भी उसे दिखाया गया है और उसी को हनुमान के रूप में दिखाया गया है। वो तो कृष्ण वाली आत्मा ही ब्रह्मा बाबा का पार्ट है। ब्रह्मा बाबा का पार्ट तो कृष्ण वाली आत्मा। गीता में जो कृष्ण दिखाया गया है वो कृष्ण कौन सा कृष्ण है? सत्युग वाला कृष्ण है या संगम वाला कृष्ण है? संगम वाला कृष्ण है। तो संगम में कृष्ण कौन है? राम वाली आत्मा, जिसे गीता में भगवान कह दिया है। और जैसे राम, बात अभी पूरी नहीं हुई। अगला है कर्ण। नाम क्या है? कर्ण। कर्ण माने क्या होता है? कान। कान का काम सबसे ज्यादा किसने किया? सबसे पहले कौन सुनता था? और सबसे ज्यादा मुरलियां किसने सुनी होंगी? ब्रह्मा बाबा ने। तो वही कर्ण का पार्ट है। किसने पालना की है? अरे ब्रह्मा बाबा की पालना किसने की? अरे कोई माताएं यज्ञ में थी कि नहीं थी? थी ना।
हैं? दो माताएं थी ना, तो पालना करने वाली हो गई। वो पालना करने वाली माताओं को शास्त्रों में दिखा दिया है, सूत पुत्र कहा गया है। वो पांडवों की दासियां हैं या पांडवों की रानियों के रूप में है? माता पिता को क्या कहा जाता है? दासी के रूप में कहा जाता है। पत्नी है तो भी दासी, माता है तो भी बच्चों की दासी है। और उसका बाप कौन था? जन्म देने वाला कौन था? कौन है सूर्य? उसका प्रैक्टिकल रूप क्या? राम वाली आत्मा। सभी पांडवों में सबसे बड़ा था या छोटा था? सबसे पुराना, सबसे बड़ा था, तो कर्ण भी हो गया। दुर्योधन युद्ध करने की कला में जो बहुत दुष्ट युद्ध करता था। सभी पुरुषों को क्या कह दिया? कन्याओं माताओं के साथ जो विकारों का युद्ध होता है उसमें दुष्टता ज्यादा कौन करता है? कन्याएं माताएं ज्यादा दुष्टता करती हैं या पुरुष ज्यादा दुष्टता करते हैं? बूढ़ी माता धड़ाधड़ बोले चली जा रही। उनमें कोई अब्बल नंबर भी होगा है? जो अब्बल नंबर है उसी का गायन हो गया दुर्योधन। फिर कृपाचार्य कौन थे? पांडवों के गुरु। वो तो वही गुरु जी महाराज हठयोगी। और भीम, कीचकों को किसने मारा था? भीम ने मारा था। अब बात आती है कीचक कौन? मुरली में बाबा ने परिभाषा दे दी है, जो ब्रह्मा कुमारियों के पीछे पड़े रहते हैं गंदा करने के लिए, उनको कीचक कहा जाता है। कीचक माने गंदे, अति विभिचारी। वो इतने पावरफुल थे कि ऐसे बड़े बड़े महारथी ही उनको मार सकते थे। इसी बात से उनको पता लग गया, कौरवों को क्या पता लग गया है कि पांडव कहां छुपे पड़े हैं, कीचक कहां था। जानते हैं उसके परिवार में उस राजा के यहां था? और रावण का वध करने के लिए जो विभीषण ने राम का मार्गदर्शन किया, तो विभीषण है कौन है संगम में? भी माने विशेष, भीषण माने भयंकर, जो राक्षस संप्रदाय के लिए बहुत भयंकर साबित हो गया। घर का भेदी लंका ढावे, बाहर के दुश्मन बड़े दुश्मन नहीं होते हैं, जो अंदर के होते हैं वो बड़े दुश्मन होते हैं। तो राम कौन है? राम तो प्रजापिता वाली आत्मा, और उसको इशारा देने वाला कौन है? और सारी कलाकारी जानता है, घर का वेदी हो गया।
नाभि में बाण मारो, नाभि में 16,000 नसेदानियां इकट्ठी होती है। 16,000 को कंट्रोल करने वाली कौन है? वैष्णवी देवी। वहां बाण मारेंगे तो नाभि कुंड सूख जाएगा, रावण खलास हो जाएगा। मैजिशियन का पार्ट वैष्णवी का है, मैजिशियन का पार्ट किसका हो? कृष्ण वाली आत्मा। विशेष भयंकर है जो अपना कुल छोड़ करके राम के कुल में चला जाता है। हाँ, हाँ, रावण संप्रदाय को छोड़ देता है, दूसरे कुल में ऐड हो जाता है। वो अच्छी बात है, खराब बात है? खराब बात है, लेकिन अपने कुल की लाज रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? कुंभकर्ण ने ज्यादा श्रेष्ठ काम किया या विभीषण ने ज्यादा श्रेष्ठ काम किया? है, कुंभकर्ण भी जानता था, अपने भाई को समझाता भी था कि तुमने गलत काम किया, फिर भी मैं साथ तुम्हारा दूंगा, कुल की बदनामी नहीं कराऊंगा। ओम शांति। इसलिए मुनि बोला है ये मुसलमान भीख मांगेंगे, काय की भीख मांगेंगे? आगे चल के ज्ञान धन की भीख मांगेंगे, कहेंगे हमको भी कड़ा दाना दे दो, एक बूंद पानी का नहीं मिलेगा। जो नोटों की गड्डियां भर भर के बैठे हैं वो एक एक बूंद पानी के लिए तरसेंगे। ये ब्राह्मणों की दुनिया में शूटिंग हो रही है, और ये शूटिंग ब्राह्मणों की दुनिया में ही नहीं होती है, बेसिक ब्राह्मणों में, एडवांस ब्राह्मणों की दुनिया में भी दूसरे दूसरे धर्म के बीज घुसे पड़े हैं जो ज्ञान का उल्टा अर्थ उठा रहे हैं। कहते हैं एक भगवान सबको थोड़े ही संघ के रंग से पावन बनावेगा, हम बच्चे भी तो सहयोगी बनेंगे, तो उन्होंने भी पतितों को पावन बनाना शुरू कर दिया, कन्याओं को सरेंडर करना शुरू कर दिया, उल्टी उल्टी ज्ञान की गंगा बहाना शुरू कर दिया। मुख से कहते हैं कि भगवान एक व्यापी है, परंतु कभी ये नहीं बतावेंगे मुख से कि एक व्यापी कहां है, यही साबित करने में लगे रहते हैं कि मेरे द्वारा भगवान का काम चल रहा है। ढेर के ढेर भगवान निकल पड़ते हैं। एडवांस ज्ञान एक जगह से ही उठावेंगे, लेकिन ढेर के ढेर मठपंत बनाए देते हैं। तो ज्ञान का अकाल पड़ता है या सरसब्ज दुनिया बनती है? अकाल पड़ता है। मुरली में आया है खर्चा करने वाली हमारे घर से गई है, वो कौन है? ज्यादा ज्ञान कौन लेती है? जगदम्बा। और जगदम्बा सारे जगत को बांटने वाली है,
या सिर्फ भारतवासियों को बांटती है, सारे जगत को बांटती है। वो हमारे घर से विदेशों में गई है या हमारे घर भारत में ही रहती है, विदेशों में गई है। लाइब्रेरी ऐसी जगह हो जहां बाग बगीचे हो, वो हद के बाग बगीचों की बात है या बेहद के बाग बगीचों की बात है, जहां बेहद के फूल खिलते हैं, वो कौन से हैं? जो बाबा के बच्चे हैं वो ही बाबा के फूल हैं, और जो बाबा के सेवा स्थान हैं वो ही बाग बगीचे हैं। दिलवाड़ा के ऊपर बाबा किताब बनवाए रहे हैं, तो वो किस किताब की बात है? दिलवाड़ा कौन है? पत्थर का मूर्ति? कोई चैतन्य है ना, तो जो चैतन्य की जीवन कहानी है वही क्या है? दिलवाड़ा का किताब है। आगे चल करके वो किताब बहुत बड़ी बन जाएगी। जैसे भक्ति मार्ग में घर घर में कौन क्या कथा सुनाई जाती है? सत्यनारायण की कथा सुनाए, वो झूठी कथा सुनाते हैं और हम सच्ची कथा सुनावेंगे। अंग्रेजों के खिलाफ जाने में लक्ष्मीबाई नंबर वन गई, तो बाबा ज्ञान में लक्ष्मीबाई कौन है? लक्ष्मीबाई गर्म दिमाग की होगी या ठंडी दिमाग की होगी? तो ब्राह्मणों की दुनिया में ऐसी देवी कौन है जो गर्म दिमाग वाली है? है शीतला देवी है या आग का खप्पर लिए बैठी है? चांद देखने का महत्व क्यों है? ये महत्व कौन से धर्म वालों में होता है? इस्लाम और मुस्लिम धर्म वालों में ये महत्व होता है। देवी देवता सनातन धर्म में दूज का चांद देखने का कोई महत्व नहीं है। ये क्या है दूज का चांद? ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा का दिन। जब ब्रह्मा का दिन शुरू होता है तो पहले पहले दूज का चांद देखने में आता है। चंद्रमा वृद्धि को पाता है प्रकाश में, अर्थात मुस्लिम धर्म की आत्माएं भी ज्ञान में प्रवेश करने लग पड़ेंगी। उसकी यादगार है दूज का चांद। बाहर की दुनिया में रामनवमी है। कब हुई रामनवमी? आज शिरडी के साईं बाबा के मंदिर में ऐसा कहा जाता है कि भक्तों को आज राम और साईं दोनों के आशीर्वाद मिलेंगे।
तो बेहद में इसका क्या मतलब है? अब पूछने वाले को तो जरूर होना चाहिए कि हमारा साईं, साईं माने स्वामी कौन है? कौन है हमारा स्वामी, साकार या निराकार? कौन है साकार, कौन है निराकार? है निराकार है शिव ज्योति बिंदु जो परमधाम से आता है, और साकार है राम वाली आत्मा। तो दोनों का आशीर्वाद मिलता है कब? जब राम की प्रत्यक्षता होगी संसार में, अर्थात बाप की जब प्रत्यक्षता होगी तो शंकर वाली आत्मा भी प्रत्यक्ष होगी और शिव वाली आत्मा भी प्रत्यक्ष होगी, और दोनों का आशीर्वाद आत्माओं को प्राप्त होगा। जापान में इतना भूकंप आया, किस कारण आया? जापान किसे कहा जाता है? हैं? जिसका पानी चला जाए, जापान। और जिसका ज्ञान जल चला जाता है वो फिर काम का रहता है? नहीं रहता। कौन से धर्म के लोग अपन को सूर्यवंशी मानते हैं? बौद्ध धर्म के लोग कहते हैं कि सूर्य सबसे पहले जापान में निकलता है, प्रत्यक्ष होता है, इसलिए हम सूर्यवंशी हैं। वास्तव में ज्ञान सूर्य जब प्रत्यक्ष होता है तो बौद्ध धर्म की बीज रूप आत्मा ज्ञान सूर्य को पहले पहचानती है और पहचान करके सहयोग भी देती है, मदद भी देती है, ठुकराती नहीं है। तो वो हैं सूर्यवंशी। ये बीज रूप आत्माओं की बात है, एडवांस की बात है। यज्ञ के आदमी भी ऐसे ही हुआ होगा। तो जापान में भूकंप आया, भूकंप किसे कहा जाता है? भू माने क्या? पृथ्वी आत्मा कौन है ज्ञान में? जगदम्बा है पृथ्वी, उसमें कंपन कब होता है? जगदम्बा कब हिलती है? है अरे भूकंप कब आता है? जब अंदर की अग्नि जो है विकराल रूप धारण करती है और अपने अंदर समा नहीं पाती है अग्नि को, तो अग्नि बाहर फट पड़ती है, उससे भूकंप आता है। आज की दुनिया में भी माताएं बहुत दुखी हैं, अंदर अंदर लावा उबल रहा है। दुनिया में बड़े बड़े भूकंप आवेंगे क्योंकि ज्ञान के बड़े बड़े एटम बम फटने वाले हैं। पृथ्वी का वायुमंडल डोल जाएगा, पृथ्वी डोल जाएगी, तो बड़े बड़े भूकंप आवेंगे। अभी शुरुआत कहां से हो रही है? जापान से हुई। ये भूकंप किस कारण आया? है
अरे माताएं जो सहनशीलता की प्रतिमूर्ति होती है वो अपनी सहनशीलता को कब खो बैठेंगी, जब उनके ऊपर अति के अत्याचार होते हैं। अत्याचारों की जब अति हो जाती है, सहनशीलता की भी सीमा लांग जाती है, तो उनके अंदर की गर्मी, अंदर का लावा फूट पड़ता है। ब्राह्मणों की दुनिया में भी मुख्य बीज रूप आत्माओं की संख्या कितनी है? है 108 नहीं, 8। 8 बीज रूप आत्माओं में भी 4 हैं चंद्रवंशी और 4 हैं सूर्यवंशी। उन 4 सूर्यवंशियों में भी कोई एक बौद्धि वंश की भी बीज होगी। जो बौद्धि वंश की बीज होगी वो कब हिलती है? जो बौद्धि वंश की धरणी है, जापान कौन सा धर्मखंड है? बौद्धि वंश का धर्मखंड है। उसमें भूकंप कब आवे? भूकंप का मूल आधार इम्प्योरिटी का वाइब्रेशन है या प्योरिटी का वाइब्रेशन है? इम्प्योरिटी का वाइब्रेशन जब ब्राह्मणों की दुनिया में अति का बढ़ जाता है तो भूकंप आना शुरू होता है। ये इम्प्योरिटी का वाइब्रेशन भी विदेशियों के द्वारा आरंभ होता है या स्वदेशियों के द्वारा आरंभ होता है? विदेशियों के द्वारा। ऐसे भी तो कहते हैं पृथ्वी पर भूकंप का आता है जब बैल के ऊपर सिंहों के ऊपर टिकी हुई है। एक बैल है ना, कहते हैं उसके सिंहों के ऊपर, सिंह के ऊपर टिकी हुई है, जब वो थक जाता है सिंह बल होता है तो पृथ्वी हिलती है, तो क्या वो ब्रह्मा को भी बैल वो थक गया? एक सिंह है राइटियस और एक सिंह है लेफ्टिस्ट। जगत पिता और जगदम्बा में कौन सा राइटियस है और कौन सा लेफ्टिस्ट है? हैं? जगत पिता है राइटियस और जगदम्बा है जो महाकाली का रूप धारण करती है वो है लेफ्टिस्ट। ये सिंह अब बदलने वाला है। क्या कहा? बिहार में गीता पाठशाला नहीं खुली है, दरभंगा में नहीं खुली है। तो गीता पाठशाला युगल खोलेंगे या बाबा खोलेगा? है वो युगल नहीं निकला, निकालो, कौन निकालेगा? बाबा जाएंगे? है आप जाओ। शिव बाबा पतित को पावन बनाने आया है, तो ज्ञान में चलने वाली आत्माओं को बाबा द्वारा बताए गए रास्ते पर चलकर पुरुषार्थ करके पावन बनना पड़ेगा। या बाबा खुद ही जब चाहेगा तब अंत में पावन बना देगा? बाबा के खुद चाहने से पावन बने तो सारी दुनिया को बना देगा या नंबर बार थोड़ी आत्माओं को बनाएगा? है तो सारी दुनिया को पावन बना देगा। इसलिए हिसाब बना हुआ है, हिम्मत है बच्चे मदद है बाप।
जो हिम्मत करेंगे वो पावन बनेंगे। क्या क्या परम पिता परमात्मा शिव बाबा आपकी अति लाडली संतान बाबा ओम शांति बाबा। अरे सब बाबा को चिट्ठियां लिख लिख करके दे रहे हैं तो हम क्यों ना दे दें, खोल के तो रखो। ये एक ही आत्मा की हैंड राइटिंग है कि सबके अलग अलग साइन है? सबके अलग अलग है। ये तो नहीं लगते हैं सबके अलग अलग है? अरे इसमें तो साइन नहीं करेंगे। लो ईश्वरीय सेवा के कारण अगर रात को जागना पड़ता है, जिस कारण सुबह का क्लास ठीक से नहीं हो पाता, नींद आने के कारण आधा क्लास करके सो जाते हैं, तो क्या ये भी डिसरिगार्ड करना होता है? बताओ भला ये डिसरिगार्ड की लिस्ट में आएगा या नहीं आएगा? क्यों? अरे रात भर ईश्वरीय सेवा करी, 12-1 बजे तक पार्टियां बाहर जाने वाली हैं, उनके लिए खाना बना बना के दिया, तो सवेरे को तो नींद आ जाएगी ना 12-1 बजे तक जागने के कारण। तो जाके सो गए या क्लास में ही सो जाए सो अच्छा है? चले जाना अच्छा है या क्लास में सो जाना अच्छा? चले जाना अच्छा माने डिसरिगार्ड नहीं हुआ, क्लास करने के बाद जाना चाहिए है? अरे फैसला नहीं कर पा रहे। बाबा ने बोला है अगर नींद आती है क्लास में तो सरसों के तेल का एक छोटा ड्रापर रखो, जब नींद आती है तो आधा बूंद एक आंख में लगा लिया, आधा पौना घंटे तक नींद नहीं आएगी, फिर जब दोबारा नींद आना शुरू हो तो दूसरी आंख में आधा बूंद लगा दिया। ऐसे 2-3 बार करेंगे और क्लास पूरा हो जाएगा, फिर बाद में जाके सो जाओ। बोला है कि नहीं बोला है? फिर क्या बात? कहा है अति होने से अंत होगा, तो पहले ब्राह्मणों की दुनिया में अति होगी या बाहर की दुनिया में अति होगी? है अति होगी तो अंत होगा, तो पहले ब्राह्मणों की दुनिया में अति होगी या बाहर की दुनिया में अति होगी? ब्राह्मणों की दुनिया में अति होगी, फिर अति कौन करेगा? है? है? कौन? हाँ, अति करने का भी पार्ट बाप का है और अंत करने का भी पार्ट बाप का है और आदि करने का भी पार्ट बाप का है।
अति कौन करेगा? क्या जिनके हाथ में सत्ता होगी वो करेगा या जिनके हाथ में सत्ता नहीं होगी वो करेंगे? कौन करेगा है? अच्छा, ब्राह्मणों की दुनिया में किसके हाथ में सत्ता होगी है? बाप करणहार होगा या करावनहार होगा? तो सत्ता किसके हाथ में होगी? अरे विनाश की सत्ता किसके हाथ में होगी है? विनाश के निमित्त तो कौन बनती हैं? शक्तियां बनती हैं। बाप विनाश के निमित्त नहीं बनता है। बाप करावनहार तो है लेकिन विनाश करने वाला नहीं है। इसलिए मुरली में बोला है अगर बाप विनाश करावे तो उसके ऊपर दोष आ जावे। और शंकर भी विनाश नहीं करता। शंकर कुछ भी नहीं करता। शंकर क्या करता है? कुछ नहीं करता है, वो तो याद करता है। हाँ, ये मुरली में बोला है अगर ज्यादा तंग करेंगे तो करा दूंगा। कर दूंगा को तो नहीं बोला, करा दूंगा माने किसके द्वारा? शक्तियों के द्वारा विनाश करा दूंगा। विनाश पवित्रता से होता है या अपवित्रता से है? अपवित्रता से होता है विनाश। महाकाली काले मुंह वाली बनती है तो विनाश हो जाता है। गोरे मुंह वाली बनती है तो स्थापना हो जाती है। बाबा, सबसे जास्ती मोह बच्चों के प्रति मां में होता है और मां तो ममतामयी होती है। तो महाभारत में दिखाते हैं धृतराष्ट्र को दुर्योधन में जास्ती मोह था, परंतु गांधारी को दुर्योधन से इतना मोह नहीं था और उसने विजयश्री का आशीर्वाद भी दुर्योधन को नहीं दिया। तो जास्ती मोह वाला पुरुष हुआ, पिता हुआ या माता हुई है? माता हुई। तो फिर ये क्यों कहा गया है कि सबसे जास्ती मोह मां में होता है? पूछने वाला बेचारा भूल गया, टीवी देखने में ही मस्त हो गया, शास्त्रों में जैसे शास्त्र पढ़ने में मस्त हो जाते हैं। अरे संगमयुगी ब्राह्मणों की दुनिया से टैली करना चाहिए कि नहीं? जब टैली करेंगे तो अंधे धृतराष्ट्र का पार्ट अम्मा का है या बाप का है? अम्मा का है। किसका पार्ट है? ब्रह्मा का पार्ट है। जो ज्ञान के अज्ञान के अंधे थे वो बड़ी मां है या ओमरादे बड़ी मां है? है ब्रह्मा बड़ी मां है। तो उसमें ज्यादा मोह होगा या छोटी मां में ज्यादा मोह होगा? बड़ी मां में ज्यादा मोह। कृष्ण की भगत मीराबाई की मृत्यु कैसे हुई इतिहास में किसी को कुछ पता नहीं है। इसकी शूटिंग ब्राह्मणों की दुनिया में कैसे होती है? ब्राह्मणों की दुनिया में स्थूल शरीर की मौत गाई जाती है या आत्मिक स्थिति में मौत गाई जाती है? तो ब्राह्मणों की दुनिया में जगदम्बा की अनिश्चय बुद्धि रूपी मौत कैसे हुई ये किसी को पता चला है? नहीं पता चल सकता।
बाबा गायन है कि जो चूल्हे पर सो दिल पर, चूल्हे में खाने वाला अंबाना बनाने वाला दिल पर चढ़ता है, तो जो गैस में खाना बनाता है वो काहे पे चढ़ेगा? अरे वो भी तो चूल्हा हो गया नए तरीके का। बाबा दिखाते हैं कि बलराम महाभारत युद्ध से अलग ही रहा कि नहीं अलग रहा, किसी के भी पक्ष में नहीं था। और बलराम का पार्ट ब्रह्मा बाबा का है, तो क्या वो महाभारत युद्ध से अलग रहता है? जबकि बाबा ने बोला है इस महाभारी महाभारत युद्ध से सभी बच्चों को पसार होना है, तो जो बच्चे पसार होंगे युद्ध में विजयी होंगे तो विश्व की बात चाह ही लेंगे, अगर विजयी नहीं होंगे तो विश्व की बात चाहिए नहीं लेंगे। क्या जो कौरवों का बाप है वो युद्ध में भाग लेता है? है नहीं लेता, तो वो भी प्राप्ति नहीं करता, तो बलराम भी प्राप्ति नहीं करता। उनको प्राप्ति संगम युग में होगी या सतयुग में होगी? कहाँ होगी? सतयुग में होगी।